साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नई साल की हैप्पी न्यू ईयर सभी भाई लोगों को जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल देखते हैं, सभी को नए साल की हैप्पी न्यू ईयर, राम राम। आज अपन बात करेंगे नए टॉपिक पे, नई कंट्री से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड। क्योंकि यार कुवैत के इतने मेरे पास वीजा आते हैं चेक करने के लिए कि सर वीजा चेक कीजिए, जबकि मुझे ये लगता है कि यार ये वीजा इतना जल्दी आ कहाँ से जाते हैं। कुवैत का सबसे लो प्रोसेस है, आपको बता दूं, कुवैत के बारे में बहुत ज्यादा इंक्वायरी जाती हैं और कुवैत बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए। अब वो क्यों जाना चाहते हैं मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि हर लोगों की अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोच होती है। दूसरी बात, शटडाउन का जॉब कुवैत में ज्यादा आता है मेरे हिसाब से, इसलिए लोग वहां पे जाना चाहते हैं। या उनको लगता है कि कुवैत में सैलरी ज्यादा मिलती है, वहां का सिक्का भारी है, 1 दिनार का इंडियन रुपीज 236 के करीब बनता है, ठीक, इस वजह से हो सकता है कुवैत लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन आज अपन बात करेंगे कुवैत के इतने जल्दी वीजा कहाँ से मिल जाते हैं, सोचने की बात है, जबकि कुवैत का सबसे लो प्रोसेस है, सबसे धीरे कुवैत के वीजा निकलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग की बात करते हैं कि अगर आप वीजा लेना चाहते हैं कुवैत का, चाहे आप कंपनी का वीजा लें, चाहे आप सोन का वीजा लें, चाहे आप खादम का वीजा लें, या घरेलू कोई भी किसी तरह के आप वीजा लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या होता है, आपका पासपोर्ट अगर यहाँ एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो पासपोर्ट ओरिजिनल या फोटो वगैरह आपको देनी होती है, और कच्चा मेडिकल देना होता है। कच्चा मेडिकल का मतलब ये होता है कि आप 1,000-1,500 रुपए में नॉर्मल मेडिकल करवा सकते हो, इससे प्रूफ होता है कि आप कुवैत जाने के लायक हो, आप मेडिकल में फिट हो, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट वहां भेजनी पड़ती है तभी वहां का वीजा निकलता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं बता दूं आपको, चे मेन होता है पासपोर्ट, अगर आप वीजा लेते हो कलर कॉपी होती है पासपोर्ट की, स्कैन कॉपी और फोटो मेन चीज ये होती है, और मेडिकल रिपोर्ट आप एजेंट के थ्रू या एजेंट आगे सेंड करता है, डायरेक्ट आप कुवैत से वीजा लेते हो तो भी ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो दो बातें होती हैं, ठीक है, ये होता है कि आपको आप किसी एजेंट के थ्रू की लगभग ये कहानी चल रही है, क्योंकि डायरेक्ट में तो इतना ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट वहां से कोई वीजा भेजता है तो वो कोई ना कोई आपका जानकार है, तो वहां पे तो अपन नेगेटिव सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे बात करते हैं कि वीजा इतना जल्दी क्यों आते हैं। मेरे मोबाइल में पिछले 6 महीने में लगभग 200 से 300 वीजा आए हैं मेरे पास चेक करने के लिए, और वो चेक भी हो जाता है। चेक क्या होता है कि एक कुवैत का वीजा आता है, स्क्रीनशॉट साथ में डाल दूंगा, इस तरह का एक वीजा आता है, एजेंट आपको बोलता है कि लो सर आपका वीजा आ गया, पेमेंट कीजिए, ठीक है। अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले की, 5-7 दिन पहले की बात है, एक बंदा कुवैत पंजाब से मुझे कॉल किया, बोला सर ये मेरा वीजा है इसको चेक करिए, इस मात्र 4 दिन में ये वीजा हमें मिल गया। अब मैं सोचता हूँ यार 4 दिन में वीजा कहाँ से मिल गया, जबकि मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से मिल जाता है। तो मैंने उसको पूरी सिस्टम पूछा कि आपने कहाँ अप्लाई किया, कौन सी ऑफिस में, क्या सिस्टम है, तब उसने बताया कि सर एक वहां पे 15 दिन पहले एक ऑफिस खुला है चंडीगढ़, चंडीगढ़ शायद ऐसा है, कुछ शहर का नाम लिया, और वहां पे दो मैडम बैठी हैं और उन्होंने बोला है कि लगभग 150 से 200 बंदे फ्लाई करेंगे कुवैत के लिए, और आप ये वीजा लो, आप पेमेंट कीजिए, आपकी टिकट बनाए, जबकि सच्चाई है कि वो वीजा नहीं होता, वो वीजा का नंबर होता है, जिसको आप कच्चा मेडिकल बोलते हो ना, सेम वैसे ही वो कच्चा आपका वीजा बोल सकते हो अपनी भाषा में। उसका देखिए क्या होता है, वो आपका वीजा उसमें देख 10 डिजिट का एक नंबर आता है, वो एकदम पूरा उर्दू में होता है, कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखे होते हैं, कई नीचे एक 10 डिजिट का एक नंबर होता है, वो होता है वीजा नंबर, उस नंबर से आपका मेडिकल होता है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, फिर आपको गमका जाना पड़ता है। हमारे राजस्थान जयपुर में होता है, दिल्ली में, या फिर आप कहीं पर भी, आप जहां गमका होती है वहां वो मेडिकल होता है, वो नंबर लेके आपको वहां मेडिकल के लिए जाना होता है। लेकिन इसको आप उल्टा कर लीजिए, वो जैसे वीजा नंबर आता है, अब वो लोगों को एजेंट फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये आपका वीजा आ गया, आप इसको आप पेमेंट कर दीजिए। अब लोग वो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, एजेंट सिस्टम बता देते हैं कि इस तरह से चेक कर लो, तो वो वीजा नंबर ऑनलाइन होता है, पूरी दुनिया को पता है, ऑनलाइन चेक करोगे तो वो चेक हो जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम उसमें शो कर देगा, समझ गए बात को, तो आपको लगता है कि हाँ यार वीजा आ गया, तो वो झट से लोगों को पैसा दे देते हैं, ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ वीजा नंबर है मेडिकल करवाने के लिए। ओरिजिनल मेडिकल गमका में होगा लगभग 6,062-6,063 रुपए उसकी फीस है, उसके बाद आपका वीजा आएगा, ओरिजिनल जो पासपोर्ट में लगता है वो वर्क परमिट वीजा होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो वीजा नहीं होता मेरे भाई, जो मैं बार बार स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं ये सिर्फ वीजा का नंबर होता है, इसी वीजा के नंबर से आपका ओरिजिनल मेडिकल होता है। जैसे आप कच्चा मेडिकल करवाते हो तो वो कच्चा आपका वीजा यानी वीजा का नंबर है, वो आपको साथ में लेके गमका में जाना होता है, फिर गमका उस वो वीजा नंबर डाल के चेक करती है, आपके नाम से वो वीजा नंबर शो करता है, फिर आपका वहां पे ओरिजिनल मेडिकल होता है, उसकी स्लिप कटती है, फिर आपका टाइम लगता है 1.5-2 महीने आपका ओरिजिनल वीजा आता है।
तो भाई कुवैत के नाम से सबसे ज्यादा इसमें ठगी हो रही है, हकीकत बता रहा हूँ। ऑफिस लोग 100 200 लोगों को एक साथ में वीजा पकड़ा के वो वीजा नंबर ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं, ऐसा होता है। अब वो जो मैं केस बता रहा हूँ, उसने बोला कि 15 दिन में मैडम बोल रही है पेमेंट जमा कराओ सब साथ में। मैं बोला भाई देख लेना, जल्दी अखबार में आ जाएगा कि 100 लोगों को एक साथ ठगा। वो कितना है, शटडाउन वीजा बताया, तनख्वाह डबल बताई, 7 दिन 4 दिन में उसको वीजा दे दिया, 40,000 में फ्लाइट हो रहा है। अब समझ लो आप, ठगी तो होनी है, शी श्योर होनी है। तो भाई कुवैत के नाम से ध्यान रखें, जो लोग कुवैत जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का वीजा आया हुआ है तो आप चेक करवा लीजिए, कहीं ना कहीं आपके साथ भी कहीं ना कुछ को हो। मैं ये नहीं बोलता कि आपके साथ हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा होता है लोगों के साथ। तो आप अगर इसमें जा रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयरनेस करें, आपको संतुष्टि हो जाए। इसके कई तरीके के होते हैं, संतुष्टि करने के बहुत सारे कुछ कारण होते हैं, उनको फॉलो कीजिए। आपको लगे कि हाँ आपका जेन्युइन काम हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पैसा भी एजेंट को दे सकते हैं। सब एजेंट ठग नहीं करते, ठगी नहीं होते। सभी अगर ठग हो जाएंगे तो फिर दुनिया कैसी चलेगी, प्लेन में जो लोग बैठते हैं वो कहाँ से बैठेंगे, कोई ना कोई तो भेजता होगा। लेकिन ऐसा होता है भाई, ध्यान रखें। तो नई साल में फर्स्ट मेरा वीडियो नई साल का ये मैंने बना के आपके साथ में शेयर किया, शायद वीडियो अच्छा लगेगा। कुवैत जाने वाले के साथ आप भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके पास भी अगर ऐसा वीजा आए या आने वाला हो तो वो ध्यान रखें। वीजा नंबर पर आप पैसा देते हो नहीं देते हो, पैसा खा जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।